नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रेणुका गुप्ता है। आज हम बात करने वाले हैं यूट्राइन कैंसर के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। तो यह कैंसर एक हार्मोन सेंसिटिव कैंसर की तरह प्रेजेंट करता है, जो यूजुअली उन महिलाओं में पाया जाता है जो ओबीज होती हैं, यानी जिनको मोटापा होता है, जिन्हें हाइपरटेंशन होता है, डायबिटीज होता है, वो पेशेंट रिस्क फैक्टर्स में आते हैं। पेशेंट जिनकी एज 60+ है और उन्हें ब्लीडिंग दोबारा हुई है, वो पेशेंट को भी, यानी हॉर्मोन्स कहीं ना कहीं बन रहे हैं और वो भी हमारे एंडोमेट्रियल कैंसर के रिस्क फैक्टर्स में आती हैं। यंग पेशेंट जिन्हें पीसीओडी है, वो पेशेंट यूजुअली एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क फैक्टर मानी जाती है, बिकॉज इन पेशेंट्स में जो हॉर्मोन्स में ईस्ट्रोजन होता है वो ज्यादा फंक्शन करता है, प्रोजेस्टेरोन नहीं मिलता है। तो यंग पेशेंट में पीसीओडी पेशेंट्स हमारे लिए कॉमन एंडोमेट्रियल कैंसर के रिस्क फैक्टर्स में आते हैं। वो पेशेंट जिन्होंने हॉर्मोन थेरेपी ली हो, जैसे ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट टमोक्सिफेन थेरेपी लेते हैं। अगर टमोक्सिफेन थेरेपी आपको चल रही है तो ये टमोक्सिफेन यूट्रस पे बैड इफेक्ट डालता है और उन पेशेंट्स को भी एंडोमेट्रियल कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। कुछ पेशेंट जो एचआरटी ले रहे हैं, यानी मीनोपॉज के बाद हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं, उन पेशेंट में भी अगर हम अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन दें तो भी एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये पेशेंट्स वो हैं जिन्हें एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क ज्यादा है। तो अगर इन पेशेंट्स को कभी भी इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग हो, हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हो जो बहुत ही कम जल्दी जल्दी होने लगी हो, और पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो, तो इन पेशेंट्स को तुरंत ही अपनी बायोप्सी करा के अपना यूट्राइन कैंसर का रिस्क रूल आउट कर लेना चाहिए, बिकॉज इन महिलाओं में यह कैंसर ज्यादा पाया जाता है। धन्यवाद।